दोस्तों फिलहाल मैं हूँ ऋषिकेश के लोकल मार्केट में। जो आप ये दृश्य देख रहे हो, मैं ये वॉकिंग कर रहा हूँ ये लोकल मार्केट के, जो कि बिल्कुल घाट साइड में बसा हुआ है, गंगा जी के किनारे ये पूरे बाजार बसे हुए हैं। तो यहाँ पे आप आके शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कपड़े, मूर्ति, रुद्राक्ष, जितनी भी मतलब पूजा के जितनी भी सामग्री होती है वो, और यहाँ पे कुछ अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जिसमें जाके आप अगर आपको कुछ भूख लगी तो भी जाके आप नाश्ता कर सकते हो। तो ये फिलहाल अभी परमार्थ निकेतन पहुंचा हूं मैं, ये आश्रम है। आप देख सकते हो सामने आपको शिव जी की जो मूर्ति दिख रही होगी ना, पिछले साल जब ऋषिकेश में ओवरफ्लो आया था गंगा जी में, तो यही मूर्ति थी जो पूरी डूब गई थी। और मैं राइट हैंड साइड में चलूंगा, यहाँ पे हनुमान जी का एक अच्छा प्रतिमा बना हुआ है, तो यहाँ पे चलेंगे अपन, थोड़ा दर्शन करते हैं इनका। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई रखी है। मैं आपको चल के बहुत ही करीब चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, जितना यहाँ पे रेलिंग भी लगी हुई, मैं उसके उस पार तो नहीं जा पाऊंगा, इसी पार से जितना करीब जा सकता हूँ उतने करीब जाके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये प्रतिमा है हनुमान जी की, और इन्होंने इसमें सीना फाड़ रखा है, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि उनके दिल में प्रभु श्री राम और माता सीता है। बहुत ही प्यारी मूर्ति बना रखी है। और मैं थोड़ा सा घाट के किनारे चलता हूँ, पास चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना प्यारा है। जो प्रतिमा आपको सामने दिख रही है शिव जी की, वहाँ पे जाना मना है, वहाँ पे जो रेलिंग लगा रखी है, गेट बंद कर रखा गया है, बट वही मूर्ति है जो पिछले साल अगर आपने देख ध्यान होगा, आप काफी न्यूज देखी होगी, तो वो मूर्ति पूरी की पूरी डूब गई थी जब गंगा जी में ओवरफ्लो आया था। तो अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मैं जो जा रहा हूँ जानकी झूला के करीब जा रहा हूँ, ठीक है, ये जानकी झूला के करीब जा रहा हूँ, मेरे को गंगा के उस पार जाना है। और फिर ये जानकी झूला के बिल्कुल पास वाली घाट है। मैं आपको बता दूं कि जानकी झूला ही एक ऐसा झूला है जहाँ पे आप टू व्हीलर से भी जा सकते हो, ठीक है। राम लक्ष्मण झूला जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वॉक करके जा सकते हो, जानकी झूला में आप जाके टू व्हीलर भी अगर आपके पास है तो जा सकते हो। तो अभी गर्मी का माहौल है, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि जूस पी के फिर अपन आगे की यात्रा को आरम्भ करते हैं। तो मैंने भैया को बोला है, अंकल जी को, कि एक गिलास गन्ने का जूस देने के लिए, फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा ऋषिकेश कवर करेंगे आज। आज पूरा दिन मेरे पास पड़ा है, तो आज पूरा ऋषिकेश को वॉक के थ्रू ही कवर करेंगे। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है अभी, टू व्हीलर कुछ भी नहीं है, बाइक का कुछ भी नहीं है, मैं पूरा वॉक करके पूरा ऋषिकेश मैंने वॉक किया है, लगभग अब अराउंड 3 से 4 किलोमीटर पैदल मैंने कवर भी कर लिया है। तो ये जानकी झूला के पास वाला घाट है जो आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा माहौल है, बहुत ही शांति माहौल है।